नमस्ते दोस्तों, उषा विलेजपुर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आए हैं, चारों तरफ से खेत है दोस्तों, थोड़ा सा जमीन यहाँ खाली है तो ढेर सारा पेड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक देखिए एक किसका पेड़ है, ये दोस्तों लसोरा का पेड़ है, इसमें लसोरा ढेर सारा लगा हुआ है। तो पास से आप लोग देख सकते हैं लसोरा दोस्तों छोटा छोटा एकदम अच्छे से भरा हुआ है। और अभी दोस्तों इस समय बहुत अच्छी रेसिपी इसका तैयार होगा, तो यही हम तोड़ेंगे। तो चलिए हम तोड़ते हैं। तो लसोरा दोस्तों बहुत ज़्यादा फरता है, सब लोग कहते हैं लसोरा जैसा फरा है तो लसोरा सबसे ज़्यादा फरता है। तो डलाई में हम तोड़ कर रख देंगे, तो दाना दाना दोस्तों हम अलग नहीं करेंगे, इसे बहुत पूरा ऐसे तोड़ेंगे, बाद में अलग करेंगे जैसे छीटे ना और साफ करने में भी आसानी हो। ये छोटी सी डाली तो दोस्तों टूटी हुई है, तो देखिए इसमें ढेर सारा फरा हुआ है, तो इसे हम तोड़ लेते हैं। तो यहाँ के डाली लचका कर दोस्तों हम तोड़ते हैं। तो बहुत सारा दोस्तों फरा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। तो हरा हरा दोस्तों रहता है, बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही अच्छी रेसिपी इसका बनता है। तो विशाख पापा दोस्तों ऊपर चढ़कर और अच्छे से तोड़ेंगे ढेर सारा। तो बहुत बड़ा पेड़ है दोस्तों, बहुत दूर तक फैला हुआ है, पर हर जगह पे बहुत अच्छा फरा हुआ है। तो कौचो तोड़ तोड़ गिरा जा या नीचे तोड़ा जाए। तो ऊपर दोस्तों बहुत ज़्यादा फरा, नीचे वो लोग बच्चे लोग तोड़ लिए हैं। और देखिए तोड़ तोड़ गिराएंगे और डलाई हमारा अच्छे से भर जाएगा। तो यहाँ इनके हाथ के पास आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा दोस्तों फरा हुआ है, एक एक करके तोड़ेंगे। तब अच्छे से तोड़ा तो बड़ा बढ़िया से बना खिया वो लसोरा की सब्जी। जब छोटा छोटा रहता है तो उसको तब भी रेसिपी इसकी बनती है, जब बड़ा हो जाता है तब भी बनता है। जो फूल टाइप के बाद है, अरे भाई ऐसे ही होगा कहाँ। अभी दोस्तों इसमें डंठल उंठल है इसलिए ज़्यादा दिख रहा है, और बाद में इसे हम साफ करेंगे तो थोड़ा सा हो जाएगा, इसलिए मैं इनसे तोड़वा रही हूँ जिससे ढेर सारा हो जाए हमारा जल्दी से। कहाँ भाई है, बड़ा मस्त रहा है ठैया। कौन ठेई वाली ठेई जहाँ आए रहे वाला? हाँ ये है, ये तोड़ दो हम छाट ले। तो लसोरा इतना अच्छा फरा हुआ, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। परवक लगवा ढेर सारा भाई है, परवक लगवा। हाँ दे लाई थोड़ा इधर करो। अरे वाह गिरे ली दे लाइयो हमार। जो फूल खिल जाता है दोस्तों सफेद सफेद, वो वाला नहीं रेसिपी बनता है, एकदम हरा रहता है छोटा छोटा तभी बनता है। आज तो हमें तोड़ना नहीं पड़ रहा है गर्दा गर्दा ये। तो एक डलाई भर का हम लोगों ने तोड़ लिया है, अब हम चलेंगे घर पे। तो गेहूं का दोस्तों कटाई स्टार्ट है, देखिए काट काट कर छूटा हुआ है। लसोरा को लेकर आ गई हूँ घर पे, तो हमने डंठल ये तोड़ा हुआ है, तो डंठल से दोस्तों एक एक करके हम निकालेंगे, एक दिशा है इसे नहीं निकालेंगे, नहीं तो इसमें गंदा चला जाएगा, क्योंकि एक दो इसमें फूल भी लगे हुए हैं, जो फूल लगे हुए हैं इसी समय हम निकालेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा है, इसे हम पूरा निकाल लेंगे दाने का, बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है, हल्का सा इसे मसलने पे इसमें ऐसे रखते जाएंगे। तो डंठल हमने देखिए डंठल सही तुमने तोड़ा हुआ है, तो एक एक करके आराम से हम निकालेंगे, इसमें बझा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा लेकर हथेलिए से मलेंगे तो दाना इसे निकल जाएगा आराम से। देखिए दाना सब निकल गया है।
तो ऐसे ही बहुत जल्द दाना निकल जाएगा और इसे हम अच्छे से अलग कर लेंगे दाने और डंठल को। तो अच्छे से हमने दाने को निकाल लिया है, देखिए जो सूप में बचा हुआ है ये फूल है, इसका नहीं बनेगा इसलिए मैंने एक एक करके निकाला हुआ है। तो हल्के हाथ से मसलते हैं दोस्तों, बस दाना ही गिरता है, गंदगी नहीं गिर पाती। ये देखिए हमने निकाल दिया है, अब इसे सूप से अच्छे से पछोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत जो गंदा है उसे निकल जाएगा। और फूल और डंठल को हम फेंक देते हैं। तो अब हम सूप से अच्छे से इसे पछोड़ेंगे। देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा था, देखिए तैयार होने में बहुत थोड़ा सा हो गया है। तो अच्छे से हमने साफ कर दिया है, देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसमें जो फूल था दोस्तों हमने निकाल दिया, एक दो फूल आ गया था, तो इसका चलिए इसे हम रख देते हैं, आलू छिलके उतार लेते हैं, उसके बाद हम साफ करेंगे धोएंगे। तो इसी बर्तन में हम धोएंगे सब्जियों को। तो अब इसमें डाल देते हैं, अच्छे से धोएंगे और इसमें आलू भी डाल देते हैं और दो तीन मिर्चा। तो अब इसमें हम पानी में से इसे छान छान के एक साइड में रखेंगे और जो एक्स्ट्रा पानी हो साइड में हो जाएगा। तो एकदम अच्छे से साफ हो गया है एक ही पानी में। तो अब हम चूल्हे में आग को जलाएंगे। आग को हमने जला दिया है, अब इस पे हम रख देते हैं कढ़ाई, अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो आलू को हम काट लेते हैं, थोड़ा सा लंबा लंबा काटेंगे, अच्छा लगता है, इससे भुजिया बनाएंगे दोस्तों हम। तो कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल। तो मिर्चे को हम काट देते हैं। तो अब हम डालेंगे बड़ी को, इसे तोड़ कर डालेंगे। अब हम डालेंगे इसी में हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा मिक्स मसाला सब्जी वाला। अब इसमें हम डाल देंगे आलू। आँच को अब हम धीमी कर देंगे, धीमी आँच में आलू को थोड़ा सा पकने देते हैं। तो इसे हम चलाकर थोड़ा सा ढक देते हैं। तो आलू हमने पका लिया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब इसमें हम डाल देते हैं इसको। तो लसोरा दोस्तों पकने में बहुत जल्दी पक जाता है, इसे हम बाद में डाल रहे हैं, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छे से चलाकर इसे हम ढकेंगे। तो थोड़ा सा हमने ना डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, तब इसे अच्छे से मिला देते हैं। अब इसे हम ढकेंगे। तो आटे को हम गूंद लेते हैं। तो लगभग दोस्तों सब्जी हमारा पकने वाला है, ये देखिए अभी हरा हरा दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही बढ़िया सब्जी दोस्तों बना हुआ है, उसे थोड़ा सा और पकने देते हैं। तिलसोरा की सब्जी हमारा बनकर तैयार है, देखिए सूखा सूखा हमने भुजिया बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया, ज़रूर आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इस समय दोस्तों इसकी सब्जी बहुत ही अच्छे से बन रहा है, तो हम बना के आप लोगों को दिखा, चलिए कढ़ाई को उतार देते हैं। अब हम बनाएंगे रोटी, तो इस पर हम रख देते हैं तावा गर्म होने के लिए। तो अब हम रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने इसे दोस्तों ढक नहीं रखा हुआ था, देखिए ऊपर से सूखा सूखा दिखाई पड़ रहा है, तो इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं दोबारा। तो अब हम रोटी दोस्तों ये देखिए चकवा बना लिया है, अब हम बेलेंगे। तो तावा गर्म हो गया, तो उस पर हम डाल देते हैं रोटी को और दूसरी रोटी को हम बेलते हैं। तो रोटी को हम पलट देते हैं। तो रोटी हमारे अच्छे से चीटी पड़ चुका है, तो नीचे हम डालकर चूल्हे में फुला लेते हैं और दूसरी रोटी को हम रख देते हैं तावा पे, ऐसे घुमाते हुए अच्छे से फुला लेंगे। तो देखिए अच्छे से फूल गया है, तो रोटी अच्छे से पक जाए इसीलिए हम थोड़ा सा और हम इसे घुमाते हुए पकाएंगे। तो रोटी को हम इसे पलट देते हैं, इसको हम राख को अच्छे से झाड़ कर हम रख लेते हैं। तो ऐसे ही रोटी को हम बना लेते हैं। तो आग को दोस्तों एक साइड रखते हैं और एक साइड रोटी रखते हैं, तो रोटी जलती भी नहीं है और अच्छे से आँच लगकर इसमें फूल भी जाता है। तो सारा खाना हमारा बनकर तैयार है, ये लास्ट रोटी है, इसे भी हम पका लेते हैं। तो चलिए दोस्तों खाना हमारा बनकर तैयार है, अब हम परोस लेते हैं।
ये देखिए तेल हमने थोड़ा सा डाला हुआ था, एकदम तेल खत्म हो गया है, सूखा सूखा। दोस्तों भुजिया सूखा सूखा रहता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसके साथ हमने रोटी बनाया हुआ है, भुजिया रोटी दोस्तों सभी लोग को पसंद रहता है। तो खाना हमने परोस लिया है। तो आज हमने दोस्तों लसोरा की सब्जी बनाया है भुजिया, और उसके साथ दोस्तों थोड़ा सा इसमें आलू डाला हुआ है और रोटी। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना। हमारा वीडियो आप लोग लास्ट तक लगते हैं इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार।